हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेली बेसिस पे दो बेहतरीन स्टॉक आप लोगों को अपडेट करते हैं, तो आज भी अपडेट कर रहे हैं। दोनों ये स्टॉक हम टेक्निकल एनालिसिस के रूप में आप लोगों को ये अपडेट करते हैं, जो कि आपको इंट्राडे में ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाज़ार को देख लेते हैं। तो बाज़ार में आज तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। आप देख सकते हैं बाज़ार का जो ओपन प्राइस था वो काफ़ी अच्छा था, देन हाई प्राइस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और लो आप देख सकते हैं 24,728.90 के समथिंग देखने को मिला। इसी रेंज में बैंक निफ्टी में भी प्रेशर आया, खास करके ऑटो सेक्टर में आज ज़्यादा प्रेशर आया। ठीक है, देन उसके साथ अगर हमें आगे की बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक प्रेशर है। अब देखिए, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों के रिजल्ट एकदम ना के बराबर आ रहे हैं, मतलब ना खुश करने लायक आ रहे। ठीक है, जिसके कारण दोस्तों उस सेक्टर पे प्रेशर आ रहा है और वो सेक्टर बाज़ार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो आगे जैसा भी अपडेट आएगा बाज़ार के रिलेटेड, हम जरूर आपको कवर करेंगे। तो अभी आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए चलते हैं और हमारे फर्स्ट स्टॉक को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है मैस्टेक, जो कि एक मिड कैप आईटी कंपनी है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया इसमें एक साइडवेज रेंज बना हुआ था, आप देख सकते हैं लगभग 2600 से 2700 के बीच में इसने काफ़ी दिन दोस्तों यहाँ पर समय बिताया। एक्सपेक्टेशन यही था, या तो एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा या एक बड़ा ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, तो एक बड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, लगभग 2700 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट दिया और तगड़े तरीके से दिया, और साथ में कंपनी ने अपने Q2 के नंबर दिखाए, वो भी बहुत बढ़िया दिखाएं। ठीक है, तो जिससे मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था या जो साइडवेज रेंज और बन रही थी वो नहीं बन पाई, वहाँ पर और ब्रेकआउट मिल गया। वहाँ तो करीबन 7-8 दिन की बनी। ठीक है, उसके बाद जो मोमेंटम था वो इस प्रकार से देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट अच्छा मिला। अब वही यहाँ पर रेंज थोड़ी सी हो सकती थी कि बनने लायक हो, लेकिन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट में दोस्तों एक बड़ा अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला, वॉल्यूम भी थोड़ा अच्छा देखने को मिला प्रीवियस के मुकाबले, तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट आज देखने को मिला, और जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे सब दोस्तों स्टॉक ने क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो इसी रेंज में हम स्टॉक को बढ़िया तरीके से बाय करके चलेंगे, जो कि हमें एक बढ़िया तरीके से दोस्तों रिटर्न दे सकता है इंट्राडे मार्केट में। अगर कल की डेट में ये स्टॉक हमें 2980 पर मिलेगा तो इसको बढ़िया तरीके से बाय करेंगे। पहला टारगेट लगाएंगे 3000 रुपये का, जो कि इसने आज भी ब्रेक किया था। ठीक है, दूसरा टारगेट लगाएंगे 3020 का। ठीक है, और ऐसे लेकर चलेंगे दोस्तों 2960 रुपये के समथिंग का, जो कि हमें बढ़िया तरीके से सेफ रखेगा। ठीक है, और जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को हम बढ़िया तरीके से कॉस्ट पर मेंटेन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं और एक और पॉइंट अपडेट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा प्रॉफिट गुरु FN2Call का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर डेली बेसिस पे सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट की जाती है, वो भी फ्री में। आप देख सकते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है और 51,800 का 200 पॉइंट की रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हमने दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि 25,000 का लेवल और 24,925 का लेवल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जैसे ही देखा कि एक बढ़िया तरीके से गिरावट आ रही है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, वैसे ही हमने पुट साइड में काम किया। ठीक है, और बढ़िया तरीके से जो हमारा 50 पॉइंट का टारगेट था वो यहाँ पर हमने डन किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो गिरावट आई वो लगभग दोस्तों 450 पॉइंट की गिरावट आई 51,800 के लेवल से। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शानदार देखने को मिला। डेली बेसिस पे इतनी सारी चीज़ें अपडेट की जाती है जिससे आप लोगों को सीखने को और समझने को मिलता है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है भी पूरी तरीके से साइडवेज हमें देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल भी आप दोस्तों पोजिशन लेने की ट्राई नहीं करें। ठीक है, इतना कुछ सीखने के लिए अगर आप लाखों रुपये भी खर्च कर दोगे तो भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल पता चलते हैं, सपोर्ट लेवल, रिजेक्शन लेवल, कहाँ ब्रेकआउट मिलेगा, कहाँ ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो कौन से कॉल में काम करें, ब्रेकडाउन मिलेगा तो कौन से पुट में काम करें। ठीक है, बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऊपर का रहेगा, नीचे का रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों पूरे लाइव मार्केट में आप लोगों को बताया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाता है, जिससे आप ट्रेड लेने में आपको परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली रही है टेलीग्राम चैनल की, फटाफट से ज्वाइन कर लो और जितना कुछ सीखने को मिल रहा है उतना बढ़िया तरीके से सीखो। आगे जो भी अपडेट आएगा दोस्तों हम अपडेट यहाँ पर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टॉक पर फोकस करते हैं। दोस्तों हमारा जो सेकेंड स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है इन्फोसिस का।
इन्फोसिस की अगर मैं बात करता हूँ, एक अच्छी कंडीशन में स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया सपोर्ट 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 और ये सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ऊपर रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, कहीं ना कहीं दोस्तों इसी रेंज में वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आज भी उसने इंपॉर्टेंट लेवल पे दोस्तों क्या किया, बेसिकली यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, आज भी यहीं पर सपोर्ट लेके उसने रिकवरी की कोशिश करी। ठीक है, तो आराम से उसने ये लेवल तो निकाल दिया, खास करके वो उस लेवल के ऊपर ही दोस्तों क्या हुआ है, अपना क्लोजिंग दिया है। ठीक है, क्लोजिंग देने के साथ साथ अब आप ये वॉल्यूम देखिए और यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, आपको डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, तो यही वॉल्यूम दोस्तों स्टॉक को एक अच्छी कंडीशन में अपसाइड का मोमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी इस कारण से स्टॉक को बाय करके चलेंगे। अगर कल ये स्टॉक हमें 970 पर मिलेगा तो बढ़िया बाय करेंगे, सॉरी 1970 पर पहला टारगेट लगाएंगे दोस्तों हम बढ़िया तरीके से 1990 का, दूसरा टारगेट लगेंगे दोस्तों लेकर लगभग 2010 का। ठीक है, और SL की अगर मैं बात करता हूँ तो 1950 का SL लेकर चलेंगे जो हमें सेफ रखेगा। ठीक है, इस हिसाब से हम मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को हम फिर कॉस्ट पर मेंटेन जरूर करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम मोमेंटम का फ़ायदा उठाने वाले हैं। ये दो बेहतरीन स्टॉक है, दोनों पे हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस अपडेट कर दिया है, आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर लगाइए, उसके बाद आगे जैसा भी अपडेट आता है हम जरूर आपको कवर करेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू दोस्तों।